गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट्स टॉपिक पर। इससे पहले मैं आपको मैट्रिक्स की क्लासेस या कह सकते हैं मैट्रिसेस की क्लासेस आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, और उसी से संबंधित एक ये टॉपिक है जिसको हम लोग डिटरमिनेंट नाम देते हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एलजेब्रा का टॉपिक है, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैट्रिक्स में बताए गए हैं या पढ़ाए गए हैं, ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए कि लगभग वैसे ही इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि जो उसके मेथड्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, जो स्ट्रक्चर आपको मैट्रिक्स में देखने को मिला वही स्ट्रक्चर आपको डिटरमिनेंट्स में मिलेगा। तो बात करते हैं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि डिटरमिनेंट होता क्या है, किसे कहते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स अगर कभी भी कोई दो ऐसे मॉड जैसे साइन के अंदर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं तो उसको डिटरमिनेंट्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि केवल एक नंबर इसके अंदर लिखा हुआ है थ्री, केवल एक नंबर लिखा हुआ है थ्री, तो ये क्या है? डिटरमिनेंट्स है। ये क्या है? डिटरमिनेंट्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ, अच्छा इसमें देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव करता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ। तो देखिए ये भी एक तरह से डिटरमिनेंट ही है। अच्छा ये इससे थोड़ा बड़ी डिटरमिनेंट है, थोड़ा और आगे बढ़ें, देखिए जैसे कि ये मैंने आपके सामने कुछ डिटरमिनेंट्स के फॉर्मेट लिखे हुए हैं। फॉर्मेट में आप ये देख रहे होंगे कि इसका साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है ना, इसका जो साइज है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो सबसे छोटा ये वाला है, देखिए मैट्रिक्स तो सभी हैं, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये सभी जितने भी हैं ये एक तरह से सभी मैट्रिक्स हैं। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो मैट्रिक्सेस हैं है ना, इसमें इसको एक बात आपने और ध्यान दी होगी कि यहाँ पे एलिमेंट्स अगर देखा जाए, ये जो अंदर नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। ये भी क्या है? ये भी एलिमेंट्स हैं। ये भी क्या है? एलिमेंट्स हैं। तो ये जो अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, और ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे देखिए फोर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, यहाँ पे 16 होंगे, इस टाइप से चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो रो है और कॉलम है, ये मैं मैट्रिक्स में आपको समझा चुका हूँ, रो एंड कॉलम, ठीक है। ये रो है, ये रो वन है, ये रो टू है, ये कॉलम वन है, और ये कॉलम क्या है? टू है। ये कॉलम टू है, ठीक। तो यहाँ पे जो रो कॉलम ये चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन रो हैं और तीन कॉलम है, तीन कॉलम तीन रो, ठीक है, इस टाइप से चल रहा है ये। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, ठीक है ना। रो एंड कॉलम हमेशा क्या होंगे इसमें? रो एंड कॉलम हमेशा यहाँ पे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितने रो आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही कॉलम यहाँ पर हैं। तो एक बात का ध्यान ये देना है यहाँ पर हमेशा, एक बात का ये ध्यान देना है हमेशा, एक मिनट, कि ठीक है,
कि यहाँ पे रो एंड कॉलम हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। रो एंड कॉलम ऑलवेज विल बी इक्वल इन डिटरमिनेंट्स, इन डिटरमिनेंट्स, क्लियर ना। हाँ ठीक, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक रो और एक ही कॉलम है, एक रो एंड एक ही कॉलम है। तो अब इसको हम लोग कुछ नाम देंगे, ये लोग हैं, ये वाला जो फॉर्मेट है ये कह सकते हैं, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, है ना। इसका ऑर्डर कितना है वन, इसका ऑर्डर कितना है वन, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है बताइए, इसका ऑर्डर टू है क्योंकि इसमें दो रो और दो कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना होगा, थ्री होगा क्योंकि इसमें थ्री कॉलम थ्री रो है। और इसका ऑर्डर कितना होगा, फोर है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, फोर होगा, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों। ठीक चलिए इतना आप लोग देखिए, फिर मैं इसके आगे प्रोसीड करता हूँ। चलिए बात करें आगे, इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको बताया, एक बात आपने यहाँ पे ये देखी होगी कि जब मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट को लिखा है, तो यहाँ पे इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कह सकता हूँ ए बी ज़ीरो टू वन ई डी फाइव आयोटा, तो आप ही देखिए कि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट्स लिखी हुई है इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, नॉट इवन कॉन्स्टेंट, नॉट इवन नंबर्स, नॉट इवन नेचुरल नंबर्स, आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं, मतलब ऑल आप कह सकते हैं इंटीजर्स, वी कैन टेक ऑल इंटीजर्स एंड वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट एज वेल, है ना, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट एज वेल। कॉन्स्टेंट का मतलब ये हुआ, कॉन्स्टेंट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे पाई ले लूँ तो भी चलेगा, है ना, पाई ले लूँ तो भी चलेगा। तो आप ही देखिए यहाँ पर ये जो आई लिखा हुआ है इसका मतलब आयोटा है, और आयोटा का मतलब होता है इमेजनरी नंबर, मतलब आप आयोटा भी ले सकते हैं, इमेजनरी नंबर भी ले सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ली है वो किस ऑर्डर के लिए है, इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट्स की, ऑर्डर ऑफ
डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? थ्री। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा बेटा। ठीक, अब बात कर लेते हैं जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट जिसका एन हो। अगर ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट एन है तो क्या होगा? देखिए ऐसे बना लीजिए आप, है ना, इसको ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ऐसे चलेगा ए वन एन तक जाएगा, और ये ए टू वन, ए टू टू, ऐसे जाएगा, और ये ए टू एन तक जाएगा। वैसे ये ऐसे जाएगा, और आप देखिए लास्ट में क्या आएगा, ए एन वन, ए एन टू, और ये लास्ट में जाएगा ए एन एन। तो इस तरीके से ये अगर देखा जाए तो ये ऑर्डर एन की डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जिसमें रो एंड कॉलम कितना है, एन नंबर ऑफ कॉलम एंड एन नंबर ऑफ रोज हैं इसमें। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की। किसकी बात करते हैं? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। ठीक है, बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओनली थ्री आएगी। अगर मैं कहूँ कि कहीं पर फाइव बाई टू लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइव बाई टू ही होगी। अगर मैं कहूँ कि कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर ही होगी। तो यहाँ से देखिए एक बात समझ में ये आ रही है कि जो भी नंबर इस बार के, या कह सकते हैं मॉड के, मॉड जैसा साइन जो है उसके अंदर है, वही हमारी क्या होगी? रियल वैल्यू होगी, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगी। तो ये जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, इसी को हम बोलते हैं एक तरह से जो एलिमेंट है इसके अंदर, है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट है उसी को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर सभी को? अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए जो वन ऑर्डर की और टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, इसमें ये तो बहुत बेसिक है ना, तो इसको पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है टू थ्री फोर वन, इस टाइप से लिखा हुआ है, क्लियर। तो देखिए मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो मैं कैसे करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, तो टू इंटू वन टू आएगा, और इसका मल्टीप्लाई माइनस कर दूँगा, माइनस करके फोर इंटू थ्री लिखूंगा तो आ जाएगा ट्वेल्व, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का टेन। क्लियर सभी को ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैं इस कैलकुलेशन को कर सकता हूँ, है ना, केवल आपको माइनस करके लिख देना है। लेकिन ये ध्यान दें कि ये जो लिखी हुई है ये टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। ये कितने ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है बेटा? टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है, ये वाली टू ऑर्डर। क्लियर, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे।
अच्छा एक बात ये ध्यान दें कि ये वाला जो मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की बात करी, तो अगर इसमें कोई रूट के अंदर नंबर है ना तो ये भी रूट में ही आएगा। इसको कुछ लोग ऐसे मतलब लिख देते हैं अजीब सा कि वैल्यू निकाल के रख देते हैं 12, ऐसे नहीं करेंगे हम। आप सीधा क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर नंबर है सीधा वही नंबर क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी में अगर एक और देख लें, टू ऑर्डर की ही डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ अभी भी मैं। जैसे मान लीजिए लिखा 3 - 4 - 5 - 2, ऐसे लिखा मान लीजिए, तो देखिए 3 × 2 करेंगे 6 आएगा, और माइनस लिखेंगे, और फिर यहाँ जब लिखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 × 5 = 20, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 26। आंसर क्या आ जाएगा 26, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए ठीक है, बात करते हैं इसके आगे जो भी कॉन्सेप्ट हैं इसके। एक और डिटरमिनेंट में दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 - 1 - 3 - 9, तो देखिए 3 × 3 कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 × 1 कितना आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो कई बार ऐसा होगा कि डिटरमिनेंट में जब हम सॉल्व करेंगे टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को तो 0 आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं एक इसमें पॉइंट की, कह सकते हैं एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं। अच्छा, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये जो नंबर्स होते हैं अंदर, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो अगर मैं इसी में एक कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करूँ, माइनर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं हम लोग, माइनर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, देखते हैं ये क्या है। तो देखिए, ये एक तरह से अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे कोई यहां पे मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, कोई भी डिटरमिनेंट आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 - 3 - 5 - 1 - 0 - 6,
सेवन एट, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें होगा क्या, कॉलम होंगी और रो होंगे। ये क्या रो, ये रो टू और ये रो थ्री। इसमें कॉलम होंगे वन ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। अच्छा एक बात और, अगर मैं बात करूं, ये हम लोग मैट्रिक्स में प्रॉपर तरीके से समझ और सीख चुके हैं कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया होगा, इसको बोलते हैं वन कॉमा टू, वन कॉमा वन सॉरी वन वन, इसका जो ऑर्डर है वन 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 है, ये कह सकते हैं एड्रेस है वन वन है, इसका है वन टू, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और दूसरी और तीसरी, ऐसे आ जाएगा। ये देखिए थ्री वन आएगा, थ्री टू आएगा और ये थ्री थ्री आएगा, इस टाइप से ही आ जाएगा। अच्छा ये जो रो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आई, और ये जो कॉलम होता है इसको कंबाइंड वे में बोलते हैं जे। तो ये ध्यान देना है कि अगर हम इसको आई और जे लिखें, तो अगर मैं बात करूं इसमें इसके आई और जे की वैल्यू क्या है, तो देखिए थ्री का अगर मैं एड्रेस बात करूं, तो हम कैसे लिखेंगे इसका एड्रेस, ए आई जे, ए आई जे, ठीक है ऐसे लिखेंगे। और आप बताइए, ठीक है इस तरह से लिखेंगे, और आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो आई जे है ना, इसका मतलब है यहाँ पर वन एंड टू, मतलब इसको मैं वन टू ऐसे लिखूँगा, ए वन टू ऐसे तो लिखते हैं ना हम लोग, ए वन टू, ठीक है इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें, एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको, एक चीज़ आप ये समझिए कि देखिए अगर मैं माइनर ऑफ एलिमेंट की बात करता हूँ, माइनर ऑफ एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो इसमें अब ये आखिर होता क्या है माइनर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ये जो वर्ड है ये है क्या, तो मैं इस वर्ड को जरा थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि एक्चुअली में ये है क्या। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, माइनर ऑफ, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है माइनर ऑफ एलिमेंट यूज किया गया है, मतलब जो माइनर होगा वो किसी ना किसी एलिमेंट का होगा। तो अगर मैं मान लूँ कि मैं इस एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूँ, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, ठीक इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे माइनर निकालना है, तो आप ये बताइए इसका माइनर कैसे निकाला जाए। कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उसको आप पूरा ये कॉलम, उस जिस कॉलम में वो है उस पूरे कॉलम को हटा देंगे, और जिस रो में वो है उस पूरी रो को भी हटा देंगे, ठीक, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। तो अगर मैं कहूँ माइनर ऑफ, माइनर ऑफ ए वन टू है ना, ए वन टू, इसका अगर मैं माइनर लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा,
तो आप देखिए जो बचे हुए टर्म थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 6, 7, 9, ये जो बचे हुए टर्म्स थे इनको मैंने लिख दिया, तो इसी को बोला जाता है माइनर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए मुझे तो चलिए देखते हैं, इसके आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया यहाँ पर कि अगर मैं किसी डिटरमिनेंट को लिखता हूँ, है ना, माइनर ऑफ डिटरमिनेंट को लिखता हूँ, तो एक बात तो मैंने आपको बताई दी यहाँ पे कि जनरल अगर मैं जनरल नोटेशन की बात करूँ किसकी, एक एलिमेंट की, जनरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट, या कह सकते हैं जनरल एड्रेस ऑफ एलिमेंट, तो वो कैसे लिखा जाएगा, ए आई जे, इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोल दूं आपसे कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, माइनर ऑफ एलिमेंट्स की, तो इसको देखिए कैसे लिखा जाएगा, एम आई जे, ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे MIJ से, ठीक है, इसको हम लोग दिखाएंगे MIJ से, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए
चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए, मैंने आपको मैट्रिसेस में एक बात आपको बताई होगी, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और सारी चीज़ें बताई थी। अब हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस की, है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे डिटर्मिनेंट में मैं बात करूँ ऑपरेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की, तो वैसे ही अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें होगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब होता ये है कि दोनों के कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए डिफरेंट भी हैं तो डिफरेंट में भी आपको थोड़ा वेरिएट करना आना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है पहले आपको एडिशन देखना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं, मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए है, ये आपको दी गई है 4, 3, 2, 1, और एक मैट्रिक्स है आपको बी, ये दी गई है 5। अब मुझे इसमें बताना है ए प्लस बी, क्या बताना है, ए प्लस बी बताना है। तो देखिए मैं कैसे इसमें सॉल्व करूँगा, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है इसमें। आप डायरेक्ट ये सोचिए कि अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे करेस्पॉन्डिंग नंबर्स को जोड़ते रहना है। करेस्पॉन्डिंग नंबर का मतलब पोजीशन, सेम पोजीशन के नंबर्स को मुझे ऐड करना है। जैसे मान लीजिए 4 + 5 कर दूंगा मैं तो 9 आ जाएगा, 3 + 1 कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, 2 + 2 4 आ जाएगा, और 1 + 0 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इन्हीं दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बताइए 4 - 5 - 1, 3 - 1 2, 2 - 2 0, और 1 - 0 1। तो इस तरीके से ये a माइनस बी का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे।
चलिए बात करते हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए इसको अगर इसमें देखा जाए तो देखिए क्या लिखा। सबसे पहली लाइन, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप नंबर्स को, जो भी ऑपरेशन हो रहा है ना, बात एडिशन की हो रही है, ध्यान दें, एडिशन में जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो उनके ऑर्डर को चेंज करने पे उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर मैं ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए करूं, दैट विल बी गिव अ सेम आंसर। तो फिर देखिए यहाँ मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे देखिए तीन अल्फ़ाबेट को, अगर मैं एक दूसरे के साथ अटैचमेंट के ऑर्डर को चेंज कर दूँ, जैसे मान लीजिए पहले ए के साथ बी ऐड हो रहा था, फिर सी ऐड हुआ, है ना, ए के साथ पहले बी ऐड हुआ फिर सी ऐड हुआ, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वही सेम रिजल्ट ए के साथ, अगर मैं बी के साथ सी को ऐड करूँ और ए को यहाँ से अगर मैं अलग कर दूँ, हटा दूँ, तो भी सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस बात से कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से। इसको बोला जाता है एसोसिएटिव कॉन्सेप्ट, है ना, एसोसिएटिव। एसोसिएट का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ होना। कम्यूटेटिव का मतलब है कि ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, लिखा हुआ है मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। एडिशन में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप ऑर्डर को क्या कर दें, चेंज कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट हैज़ टू बी चेंज्ड हियर। क्लियर? चलिए चलिए बात करते हैं इसके आगे। एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, और अगर मैं एसोसिएटिव की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव।
इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं a माइनस बी, इस टाइप से लिख दूं, तो ये नॉट इक्वल टू होगा a माइनस, ठीक है, ये दोनों बराबर इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट जो भी है। अब मैं बात करता हूं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब है अगर a प्लस नल आइडेंटिटी इक्वल टू a, और यही होगा a प्लस नल आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव चलिए इसको देखते हैं दोनों कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम बात करें कि मैं किसी मैट्रिक्स में एक नल मैट्रिक्स को ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। और अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर देता हूँ, नल में एक मैं कोई ऐड करता हूँ मैट्रिक्स, तो भी आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। लेकिन अच्छा यहाँ पे क्या है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी मैट्रिक्स, है ना। उसके बाद यहां देखिए मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन यहां पे क्या हो रहा है कि अगर मैं ए में से इस नल आइडेंटिटी को माइनस करता हूं तो देखिए क्या ए आएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं इसमें से अगर इसको माइनस करता हूं तो क्या ये सेम रिजल्ट आएगा, बताइए। ये जो इक्वल टू का साइन लगा हुआ है क्या ये सही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। यहाँ पे आप लगाइए नॉट इक्वल टू। ठीक, तो इस बात का ध्यान देना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, एनी नंबर, कोई भी आप नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर का मतलब है एनी नंबर। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है 2, 3, 5, 6, और अगर मुझे निकालना है टू वे निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकाला जाए। अगर मुझे 2a निकालना है तो मैं कैसे फाइंड करूं? तो देखिए, अगर मैंने 2a लिखा यहाँ पर, तो 2a का मतलब है कि मैंने इसको डबल कर दिया है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जितने एलिमेंट्स हैं सब में 2 का मल्टीप्लाई अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4, 6, 10, 12। ठीक, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी मल्टीप्लाई करना है आप सभी में कर सकते हैं, जितने एलिमेंट्स हैं सब में वो सेम मल्टीप्लाई नंबर अपने आप हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है k, तो ये हो जाएगा के ए प्लस के बी। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, समझिए इस चीज़ को, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ तो मैंने मल्टीप्लिकेशन की बात की, तो मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, अब उसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई दो मैट्रिक्स हैं ऐड हो रही हैं, अब उसमें कोई कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ तो वो दोनों में हो जाएगा। ठीक है, दोनों में हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला लिया मैंने के प्लस एल, है ना, उसमें किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, उसमें किसी मैट्रिक्स का नंबर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई जैसे ऊपर हुआ है वैसे ही इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। चलिए देखिए,
चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं इनको सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरह से ये सॉल्व होंगे बात किया जाएगा इनकी। पहले आप ये लोग नोट कर लिए, सभी लोग जो भी क्वेश्चंस है तीनों नोट कर लें और फिर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा ऐड करना है और सीधा सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रूट थ्री प्लस टू, है ना। इन दोनों को टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा यहाँ, वन प्लस रूट फाइव, थ्री प्लस थ्री सिक्स, माइनस वन एंड वन जीरो, और वन बाई टू प्लस जीरो वन बाई टू। तो ये हमारा ए प्लस बी का रिजल्ट आ गया। अगर मुझे टू ए निकालना है तो टू ए के लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा, ये सिक्स हो जाएगा, और ये टू हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। और इसी में मुझे क्या ऐड कर देना है, अच्छा माइनस करना है, ये वाला बी माइनस करना है। तो देखिए बी माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री, यहाँ देख लीजिए रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, टू माइनस थ्री माइनस वन, फोर माइनस फोर माइनस वन, और ये पहले से ही माइनस वन है तो यहाँ फाइव आ जाएगा, सिक्स माइनस थ्री थ्री,
यहाँ देखिए 4 माइनस 1 मतलब 5, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 2 0। तो इस तरीके से ये हमारा 2a माइनस b का रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सेम वैसे ही मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर बता दिया यहाँ पे कैसे कर सकते हैं इसको। 2a bx देख लीजिए आप, 2a करेंगे तो ये 16 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 0 ये तो 0 रहेगा, ये -4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 2a हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, bx है ना, क्या लिखा है bx, और यहाँ पे क्या है 5b, तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखिए 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 और 5, इस टाइप से आ जाएगा। और जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम आराम से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाला टर्म इधर आएगा माइनस हो जाएगा और ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, ठीक। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मैं डिटरमिनेंट में आपको कुछ और नए कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगली क्लास में आप देख लीजिएगा, ये जो भी आपको बताया गया है बेसिक्स, आप इनको रिवाइज कर लें, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट की। थोड़ा सा मैट्रिक्स का मैंने इसमें कॉन्सेप्ट बताया क्योंकि कुछ चीज़ें आपको लिंक करने में आसानी होगी, क्योंकि बीच में एक क्लास मैट्रिक्स की नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल जो छूट गया था वो बता दिया इसमें। अगली क्लास में हम लोग प्योर डिटरमिनेंट पर बात करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।